करें जी स्टार्ट। अच्छा अब थोड़ा सा आप बहुत संजीदा होके इसको सुनना समझना। कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट आ गया तो प्यारे दोस्तों इट्स अ वेरी स्मार्ट टॉपिक, आप बहुत मजे से समझ पाएंगे इसको, बहुत मजा आएगा इसको करने में। आओ जी हमारा टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों डिसोल्यूशन। और इसके अंदर भी हमारा आज का टॉपिक है ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अब प्यारे दोस्तों सब जरा ध्यान से सुनो, पहले मेरे को बताना, सब बताओ हम डिसोल्यूशन के समय कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ गुड, जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज करो यहाँ पे सारे पार्टनर को दिवालिया करना है इसीलिए आपस में नाम नहीं लेते, एक्स और वाई मान लेते हैं, दो पार्टनर के नाम बता दो एक्स और वाई। तीसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं, बहुत बढ़िया। अरे दोस्तों अच्छे से कुछ खास चीजें लिखवाऊंगा, ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। मैं तीनों अकाउंट के हेडिंग डाल लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिस्टर एक्स एंड वाई का क्वेश्चन सेज बोथ आर इंसॉल्वेंट, बोथ आर इंसॉल्वेंट, दोनों दिवालिया। अब बताओ जब दोनों दिवालिया हो तो गार्डनर वर्सेस मरी लग सकता है या नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में कहूं मैं खाली वाई दिवालिया तो गार्डनर वर्सेस मरी लग सकता है, नहीं, क्योंकि सारी डेफिशिएंसी को बांटने का झगड़ा ही नहीं होगा, एक्स ही सह लेगा, तो भी गार्डनर वर्सेस मरी की जरूरत नहीं है। सो प्यारे दोस्तों अभी तो हम ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। प्यारे दोस्तों कोई बताओ जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो तो जैसे क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं, सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करेंगे, आउटसाइडर लाइबिलिटी यहाँ पर, बैलेंस बीडी यहाँ पर, फ्री रिजर्व को बांट देंगे, एंटी एसेट्स रिजर्व को यहाँ पर डाल देंगे। अब प्यारे दोस्तों जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का होगा तब मेरे को एसेट्स तो बिकेंगी, बिकेंगी तो कहाँ कहाँ डालोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में और बैंक के। प्यारे दोस्तों एसेट्स तो बेच पाएंगे, अच्छा सब बताओ यहाँ पर कुछ और है या सारे पार्टनर दिवालिया। प्यारे दोस्तों सारे पार्टनर दिवालिया है तो कोई बताओ एक्स और वाई की डेफिशिएंसी कौन सा आएगा। हाँ खाली क्रेडिटर बोलना उचित नहीं होगा, आउटसाइडर वाले यही कहे जाएंगे ना, इसका मतलब आप सब बताना आउटसाइडर को जितने पैसे क्रेडिटर को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, किसी लोन होल्डर को जितने पैसे दे सकते हैं देने थे उतने हम सारे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। प्यारे दोस्तों अब सवाल ये होता है, इस क्वेश्चन को एक बार रोकता हूं मैं, इसको बताओ 12वीं में जो क्वेश्चन करते थे या गार्डन वर्सेस मरे में भी क्लोज करने का सीक्वेंस क्या था, पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते थे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से फायदा घटा आता था पार्टनर्स में बांट देते थे, फिर कौन सा अकाउंट करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस जो होता था पे करते थे पार्टनर्स को, कौन सा मैच करता था। अब मेरे दोस्तों लेकिन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में बदल जाएगा मामला, बताओ क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन होल्डर को मैं सारा पैसा दूंगा या कम दूंगा। कोई बोले कितना कम दोगे, भाई जितना जेब में होगा उतना दे दूंगा बस। तो प्यारे दोस्तों जेब में कितना पैसा है, इनको पे कितना करना है, उसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट को क्लोज करना है और बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर पे मिलेगी वो मैं रियलाइजेशन में यहाँ पे करूंगा, यहाँ पर डालूंगा और यहाँ पे करूंगा टू बैंक, जिसमें क्रेडिटर आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, लोन आएगा और उनको टोटल पेमेंट कर दूंगा। क्या ये नहीं आया है आगे, दोबारा बताओ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पहला अकाउंट कौन सा क्लोज होगा, बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट क्लोज होगा, किस लिए जरूरत पड़ी सब बताओ, हाँ जो आउटसाइडर है उनको हम पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे इंसॉल्वेंसी में, या उससे पहले 12वीं में जो क्वेश्चन करके आते थे उनमें तो खूब पैसा होता था, गार्डनर वर्सेस मरे में भी तो एक ही दिवालिया हुआ, बाकी तो घर से खूब ले आएंगे तो पैसा हम पूरा देते थे, यहाँ पूरा नहीं दे पाएंगे, कितना दे पाएंगे वो बैंक अकाउंट से पता चलेगा, जितना पैसा आएगा वो उतना दे देंगे इनको हाथ जोड़ के। अरे दोस्तों इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, फायदा घाटा बांट लेंगे, ज्यादातर लॉस निकलेगा।
अब सवाल ये उठता है, कैपिटल अकाउंट का क्या करूं, कोई बता सकता है? मेरा दोस्तों कैपिटल अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसी खासियत होगी जैसे मैं लिख रहा हूँ। मेरा दोस्तों इसका मतलब कोई बता दो, बैलेंस फिगर ये यार। हाँ, एक की डेबिट में एक की क्रेडिट में, और ये मैच करेंगे। अरे दोस्तों जो भी आ जाए उसे हम, ये डेफिशिएंसी है पार्टनर की, इसकी नेगेटिव डेफिशिएंसी, इसकी पॉजिटिव डेफिशिएंसी, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे? सब बोलो देख के, डेफिशिएंसी अकाउंट में। और कौन सा अकाउंट हमें नया सा बनाना पड़ेगा बताओ, वाई कितनी डेफिशिएंसी थी, ये डेफिशिएंसी किसने सही? एंड दिस इज क्लोज, कौन सा अकाउंट मैच करेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। दोबारा बताओ, सीक्वेंस ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट कौन सा होगा? सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे, बैंक को देखकर दूसरा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी अकाउंट बनाने के दो तरीके पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसमें से क्योंकि अब पेपर बहुत पास में है, मैं चर्चा तो दोनों की करना चाहूंगा, लेकिन एक जो छोटा तरीका है उस पर सारा कंसंट्रेशन रखूंगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर तीसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? सीक्वेंस में चल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, किसी को देना लेना है ही नहीं पैसा, तो प्यारे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? डेफिशिएंसी। और फिर मैं चौथा अकाउंट कौन सा बनाऊंगा? अपने डेफिशिएंसी अकाउंट बोथ साइड क्या करेंगी? मैच। दिस इज सो वंडरफुल। चलिए आगे चलते हैं, किसी प्यारे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो ना। अब मैं एक क्वेश्चन लिए चलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करेंगे, इसका ध्यान से देखना। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत बिल्कुल सावधानी से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। क्या ये स्लाइड दिख रही है आपको? थोड़ा बड़ा करूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ताकि आप अच्छे से देख सकें। आ जाओ जी, अब ध्यान से देखना। चलिए जी क्वेश्चन करेंगे। प्यारे दोस्तों दो सुपर स्पेशल क्वेश्चन है जिससे मैं सारा टॉपिक करूंगा, एक आसान सा क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इसके जैसे होते हैं, तो बहुत सुपर स्पेशल है, सब ध्यान से बनाना। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? पहला अकाउंट, नहीं, सीक्वेंस वही रखियो भाई, नहीं बनाने का सीक्वेंस मत बदलना दोस्तों, नहीं तो तुम 12वीं से, हाँ पहले जो अकाउंट बनाते हो बनाओ वही, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं तो एंट्री करने की 12वीं से अब तक का सारा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो जीरो हो जाएगा। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? एबीसी, एबीसी बनाओ बनाओ, सब अच्छे से बनाओ, साथ साथ करना, अच्छे से करना, जम के करना। And then the third account is called as, the last account called as bank account. चलो जी स्टार्ट करें सारे क्वेश्चन को। This is realization account. This is partners capital account. And the partners are A, B, C ना? A, B and C. Then the third one is called as bank account. कह रहे दोस्तों ध्यान से चलना, 99% इसके या इसके जैसा कोई लाइक क्वेश्चन आएगा। स्टार्ट करते हैं, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी व्हिच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जरा देखना क्या दी हुई है, मैं नीचे लिख लूं। हाँ 2:2:1 प्यारे दोस्तों, द बैलेंस शीट इज गिवन। स्टार्ट कहाँ से करूँ? डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, बताओ एडजस्टमेंट से या असेट से, बेचने से या बेचने की तैयारी से? हाँ चलो जी तैयारी करो, असेट साइड से शुरू कर रहा हूँ। कैश कहाँ डालूं कोई याद दिलाओ ना भैया, बैंक अकाउंट में कैश जमा करा दूं ना, 1,000 रुपया जनरल बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टॉक यहीं पे डालें, सब साथ साथ चलेंगे, तेजी से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। 60,000 स्टॉक के बाद अदर एसेट्स, अदर एसेट्स थी प्यारे दोस्तों 1,09,000 की। Then goodwill, अरे कोई बताओ goodwill क्या करें, कुछ और उसके अभी बेचने की तैयारी करें? नहीं नहीं वो admission retirement में, कोई भाई भाई बोल रहा assets में आई होगी तो write off करेंगे, कोई बताओ dissolution है write off करूं या बेच दूं goodwill को भी? डाल दूंगा यहाँ पे, बिकेगी तो बिक जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। सो प्यारे दोस्तों आगे चलें, कैपिटल, ये सी की कैपिटल देख के बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो देखना मैंने यहाँ पे डाल दी 20,000 रुपया,
मैं इसको दो मेथड से कराऊंगा, मेथड नंबर वन, और मेरा सारे क्वेश्चन मैं इसी मेथड से कराऊंगा, लेकिन दो तरीकों से कराऊंगा। मेथड नंबर वन ज्यादा छोटा है इसीलिए उसको ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, अभी मेथड वन से कर रहे हैं। असेट्स हो गई, अब लायबिलिटी। लायबिलिटी में देख के बताओ पहले क्या था। संडी क्रेडिटर 1,20,000 रुपया, फिर बैंक लोन। अरे बैंक लोन गिरवी पे स्टॉक के चार्ज में था, बताओ सिंपल लोन है या सिक्योर्ड लोन है? कितने का सिक्योर्ड लोन है? फिर प्यारे दोस्तों कैपिटल देखना, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में डाल दू, 30,000 A की, 20,000 B की, सब डालो। मैं एक बार रुक रहा हूँ, सब करो अच्छे से, करो जम के करो, सब अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, सब डालो। कर लीजिए ट्रांसफर, अब आगे चलें एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे। कहते हैं स्टॉक रियलाइज 52,000, सिंपल सिंपल एंट्री जैसे 12th में करते थे। स्टॉक दिखा तो कहाँ का डालें, यहाँ पे बाय बैंक, इनर कॉलम में स्टॉक लिख लूं 52,000। स्टॉक रियलाइज 52,000, अदर असेट्स सोल्ड, अदर असेट्स कितने हैं बेच दी भैया, 90,000 में। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3,000, पता नहीं कहाँ डालते थे, कोई याद दिला दो ना। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखे हैं, टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, बैंक के क्रेडिट में बाद में टोटल करके डाल लेंगे। अरे दोस्तों इसके बाद वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब करो यहाँ तक जल्दी जल्दी करो। कहता assuming that all partner are insolvent, अरे बताओ कोई दिवालिया या सारे दिवालिया। Prepare the necessary ledger account, बस कहता है क्वेश्चन करो। अब प्यारे दोस्तों बहुत चौकन्ने होके मुझे बताना, प्यारे दोस्तों उसने स्टॉक के बारे में कह दिया, अदर असेट के बारे में कह दिया, गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या मानू कितने में बिकी? गुड भैया, तो प्यारे दोस्तों कितना हो गया, 1,42,000। मैं यहाँ पे भी लिखता, कोई जर्नल बताओ ना। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा मेरा ऐसा विश्वास है, पहले रुको और बोर्ड पे आओ, आप जरूर बताओगे क्रेडिटर को कुछ नहीं का कितने दें। ये जो पूरे दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे सो रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये 12वीं से आगे नहीं निकले। मेरा टॉपिक कोई दोबारा बताओ क्या चल रहा है, कुछ और या ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट? क्रेडिटर और बैंक लोन को पूरे पैसे दे पाएंगे या दे ही नहीं पाएंगे? ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है, लॉक करो इस बात को, ठीक है ना जी। तो प्यारे दोस्तों गलती मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ ज्यादातर लोगों की प्रैक्टिस रहती है, वो क्रेडिटर और बैंक और लोन को पूरा दे देते हैं, नहीं देना ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंसी में बिल्कुल भी नहीं। प्यारे दोस्तों बताओ सारी एडजस्टमेंट नहीं हुई या हो गई? जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप चेक करना, कहीं और से तो पैसा नहीं आ सकता, बताओ बताओ कहीं और से पैसा आ सकता है? नहीं आ सकता मेरे दोस्तों, बस मेरे को ये पेमेंट करनी है, कितने हजार की पेमेंट कर दूं? मैं यहां कर दिया प्यारे दोस्तों, अब मेरे पास पैसा आने का और जाने का कोई साधन नहीं है। तो पहले बताओ क्रेडिटर और बैंक लोन को पे करने के लिए पैसा कितना पड़ा है, ये जांचने के लिए पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करूं? बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे पड़े थे? 1,43,000, 1,43,000 थे। कोई बता दो कितना बैलेंस ही बता, ये मैं किस क्या लिखूं, कुछ और या बाय रियलाइजेशन? दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, और मैं इसे पे कर रहा हूं भैया, तो मैं इसको यहां डालूं ना, किसको पे कर रहा हूं कोई बता दो ना। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, इसने कुछ बोला नहीं, सेक्शन 37 हमने पढ़ा होगा 12th में, कभी भी पैसा आए तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी में किसको देते हैं? सिक्योर्ड लोन को, सिक्योर्ड लोन के बाद अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिटर, फिर उसके बाद पैसा आए तो पार्टनर्स लोन को, फिर पार्टनर्स कैपिटल को। थिक मोड ऑफ पेमेंट बताओ, पहला सबसे पहले किसको दोगे? फिर अनसिक्योर्ड लोन, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। अब बताओ मेरे पास 1,40,000 है, क्या दोनों अनसिक्योर्ड है या बैंक लोन वाला सिक्योर्ड है? तो बैंक लोन वाले को पहले दे दूं, उसके 50,000 से छोड़ूं या पूरे दे दूं? क्रेडिटर को बताओ पूरे दूंगा या बचे खुचे दूंगा? कितने बचे? 90,000। कोई बताओ यहाँ पे बेचारा कौन बना, कितने रुपए से क्रेडिटर बेचारा बना? प्यारे दोस्तों उठाओ कैलकुलेटर और बैलेंस करके बताओ इस अकाउंट का बैलेंस।
सब करो सब करो, ध्यान से करो। पहले बैंक अकाउंट क्लोज किया, पेमेंट करी, उसके हिसाब से बैंक लोन और क्रेडिटर को सेक्शन 37 लगाया, पहले सिक्योर्ड लोन को पे किया, फिर अनसिक्योर्ड लोन को। फिर प्यारे दोस्तों 30,000 क्रेडिट साइड आ गया, इट इज अ लॉस। किस किस में बांटूं, एक में, दो में, या तीनों में? ए बी सी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 थी, 12 2:2:1, 12,000, 12,000 और 6,000। बोलो ना आया? हाँ, सब करो ध्यान से करो, अच्छे से करो, जम के करो, ध्यान से समझ के करो। ये जो भी लॉस आया मैं इसको यहाँ डाल दिया, टू रियलाइजेशन 12,000, 12,000 एंड द 6,000। अब बैंक अकाउंट क्लोज, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज, अब कौन सा अकाउंट क्लोज करूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का निकला भैया, सब निकालो सब निकालो, ए का कितना निकला? 18,000 डेबिट में। बी का कितना निकला? 8,000 डेबिट में, क्रेडिट में। अरे सी का देखना, 26,000 यहां पे ना, कोई याद दिलाओ ना इनको कहाँ ट्रांसफर करना था। तो ये मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करा, ये भी मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर किया, कौन सा अकाउंट और बना लूं भैया? डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ बनाओ, सब बनाओ, ध्यान से बनाओ, ध्यान से बनाओ। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया, ये यहां पे डाल दूं, ए 18,000 इसकी डेबिट में है तो क्रेडिट में डाल दूं, बी 8,000 और सी के यहाँ पे। कोई बताओ यहाँ इन तीनों पार्टनरों में सबसे ज्यादा पापी आदमी कौन था? ये तो 18,000 की पॉजिटिव कैपिटल थी, सबसे महापापी था सी। सी इतना पैसा लेके डूब गया कि उसने और बी को भी दिवालिया कर दिया। देखना डेफिशिएंसी अकाउंट मैच कर गया दोस्तों, हो गया। प्यारे दोस्तों दिस इज मेथड नंबर वन, इट्स अ वेरी सिंपल। सारे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट हमने जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाया। जब सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारे पार्टनर दिवालिया, पहले बैंक अकाउंट क्लोज किया, उसका बैलेंस फिगर जितना भी था वो आउटसाइडर को मैंने पे कर दिया, सेक्शन 37 वहां पे लगा दिया, लॉस निकाला, बांट दिया। लॉस निकालने के बांटने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, उसी की डेफिशिएंसी सहते सहते ए और बी दिवालिया हो गया। इसको लॉक करना दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरी विधि से करेंगे। सब करो जल्दी से, मैच कर गया ना, अच्छा सा है ना, बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन है। लोग इतने डरते हैं सोल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जिसकी कोई हद नहीं, समझते ही नहीं होंगे आप। चले कर दूं दोस्तों अब। प्यारे दोस्तों मैं एक काम करूं, क्योंकि मुझे इसको कंपेयर कराना है दो मेथड के साथ, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके क्वेश्चन को भी उठा के यहां पे ले आता हूं। और इसको शिफ्ट कर लेता हूं ताकि मैं आपको कंपेयर भी करा सकूं। चलो जी दोबारा करेंगे सेम क्वेश्चन, कौन से मेथड से? मैंने पहले कहा था कौन सा मेथड आसान है, फर्स्ट मेथड ज्यादा आसान है। अब लेकिन मेथड तो दोनों आने चाहिए, आसान फर्स्ट मेथड है इसलिए पेपर के लिए कह रहा हूँ फर्स्ट मेथड करना, स्मार्ट में आपसे पूछूंगा दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, बाद में कंपेयर भी करेंगे, दूसरे मेथड से कर रहे हैं, दिस इज सेम क्वेश्चन बाय मेथड नंबर टू। पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? शुरू करो सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से, पहला अकाउंट कौन सा? बनाओ 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 बनाओ, सब बनाओ सब बनाओ। दूसरा अकाउंट कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम ऑफ द पार्टनर्स आर ए एंड बी, ए बी एंड सी। प्यारे दोस्तों इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, घाटा किसने सहा था इस क्वेश्चन में? नहीं, घाटा ए और बी ने बिल्कुल नहीं सहा, ए और बी की तो जिम्मेदार थी, सारे सारा डेफिशिएंसी सही थी क्रेडिटर्स ने। अरे दोस्तों लेकिन पिछले मेथड के अंदर हमने जो क्रेडिटर को कम पैसा दिया, जरा देखना इस मेथड की जो हमने पिछला किया परफेक्ट है, क्रेडिटर को पैसा पूरा दिया या कम दिया? कम दिया, तो बताओ इस क्वेश्चन में घाटा बना या फायदा हो गया?
हाँ फायदा हो गया, हमने क्रिएटर को कम दिया। पर दोस्तों ये तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, सम पीपल सेज इट्स अ रॉन्ग, क्रिएटर को हम कम दे रहे हैं तो ये हमारा फायदे के कारण नहीं, हमारी मजबूरी है, इसीलिए डिफिशियंसी होनी चाहिए। इसीलिए सम पीपल्स हैविंग मेक डिफरेंट ओपिनियन एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। वो कहते हैं जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तब हम जो आउटसाइडर लायबिलिटी वाले हैं उनको कितना कितना पैसा देंगे उनके सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे बताओ आउटसाइडर लायबिलिटी में कौन कौन से दो लोग थे, सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक लोग। तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी की दूसरी कहानी में कौन कौन से दो अकाउंट और बना लूँ प्यारे दोस्तों? बैंक लोन अकाउंट बना लूँ, आउटसाइडर को भी बताओ रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से पे करना है या सेपरेट अकाउंट के माध्यम से? सेपरेट अकाउंट के माध्यम से बना लिए मैंने दो अकाउंट और। हाँ बनेगा वो बाद में बनाएंगे, और एक आखिरी में डेफिशिएंसी अकाउंट ही बनाना, वो भी बना लेते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं, दिस इज व्हाट डेफिशिएंसी अकाउंट, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नेम ऑफ द पार्टनर आर एबीसी। देन आउटसाइडर में सन्ड्री क्रेडिटर थे, बैंक लोन अकाउंट एंड द लास्ट बैंक अकाउंट। सब बनाओ, सब बनाओ, ध्यान से बनाओ, तेज तेज चलो, मेरे साथ साथ चलना दोस्तों, अच्छे से चलना, जम के चलना। अब स्टार्ट कर रहा हूं, अब बिल्कुल चौकन्ने होके करना, सेम वही क्वेश्चन है, कहां से शुरू करूं, बेचने से या असेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करने से? तो कैश में डाला यहां पर टू कैश 1,000 रुपया, असेट्स तो सब बेचने के लिए तैयार करेंगे इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टॉक 60,000, अदर असेट्स 1,09,000। सब करो, सब करो दोस्तों। गुडविल बेचने की तैयारी उसकी भी 30,000। कैपिटल सी की नेगेटिव है इसीलिए रिवर्स डाल दी, बैलेंस बीडी 20,000। तो प्यारे दोस्तों आगे चले लायबिलिटी पे, कोई बताओ आउटसाइडर लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूं या उनके अकाउंट में ही पे करना है? तो सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस बीडी लिखो ना भैया, सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस बीडी लिखो लेकिन लायबिलिटी इसीलिए इस साइड ना, बैंक लोन का बैलेंस बीडी देखना 50,000 रुपया। क्या फर्क है इसमें और पिछले वाले में, कोई दोबारा याद दिलाओ। आउटसाइडर लायबिलिटीज के हमने सेपरेट अकाउंट खोल लिए क्योंकि उन्हें पूरा पैसा नहीं दे सकते, कितना देंगे वो अभी निकालेंगे। प्यारे दोस्तों अब एडजस्टमेंट पे आए, सारी असेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कहता है असेट्स स्टॉक रियलाइज, मैं यहाँ पे डालू ना बाय बैंक, स्टॉक से कितने का बिका 52,000 का, अदर असेट्स 90,000 की, बस यही बिकी मेरी असेट्स 1,42,000, बैंक में डाल लूं टू रियलाइजेशन 1,42,000। जल्दी जल्दी करो, सावधानी से करो, अभी तक मोटे तौर पे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, सब करो ध्यान से करो। फिर कहता है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3,000 रुपया। प्यारे दोस्तों ये तो रियलाइजेशन की हेल्प से ही पे करूंगा, टू बैंक एक्सपेंसेस के मैंने पे किए 3,000 रुपया, तो ये मैंने सबसे पहले पे कर दिए ये बाय रियलाइजेशन। अच्छा कोई बताओ, सोच के बताना, पहले बैंक लोन को पे करूं क्रेडिटर को या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी, बैंक लोन सन्ड्री क्रेडिटर या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सोच के बोलना। एक मेरा भाई बोला सिक्योर्ड पहले क्योंकि बैंक लोन, क्यों नीतीश सिक्योर्ड मेरे को भी पहले लगता है। नहीं भाई तू सही बोल रहा है पर कारण बताना, पहला रियलाइजेशन। हाँ रियलाइजेशन के बगैर तो ये असेट्स ही नहीं बिकेगी 1,42,000 रुपए की, तो वो तो सबसे पहले देना है, वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की जंग से बाहर है। सो प्यारे दोस्तों सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब ए भी दिवालिया, बी भी दिवालिया, सी भी दिवालिया, तीनों दिवालिया हो गए। प्यारे दोस्तों तीनों दिवालिया हो गए तो सबसे पहले कोई याद दिलाओ कौन सा अकाउंट क्लोज करूं, वन रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं, कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट है ना। पहले एक बार देखो, कोई बताओ बैंक में कितना बैलेंस बच गया, सब बोलो सब बोलो सब बोलो, कितना बैलेंस बच गया 1,40,000 का।
कोई बताओ 1,40,000 मुझे किस किस में बांटने हैं, क्रेडिटर में और बैंक लोन में? सेक्शन 37 लेके बताना, पहले क्रेडिटर को दूं या सिक्योर्ड को दूं? तो बैंक लोन को मैं कितना दूंगा और बचा खुचा मैं किसको दूंगा? 90,000। बैंक लोन को 90-50,000 दिया, देखना मैं यहाँ पे लिख दूं टू बैंक 50,000। ये अकाउंट क्लोज। क्रेडिटर को मैं कितना दिया कोई बता दो? 90,000। कोई बताओ क्रेडिटर को बाकी पैसा देना है या नहीं देना? क्रेडिटर कितने रुपए से बेचारे हो गए कोई बताओ ना। तो कोई बता दो क्रेडिटर ने कितने की डेफिशिएंसी सही? फर्स्ट मेथड में नहीं आ रहा था ये फैक्ट, इस मेथड में आ रहा है। कोई बता दो ना डेफिशिएंसी सही, तो डेफिशिएंसी अकाउंट पे किस साइड डाल दूं? है ना भैया, कितने की डेफिशिएंसी सही पहले देख लो। मैंने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बैंक अकाउंट क्लोज किया, बैलेंसिंग फिगर निकाला, क्रेडिटर और बैंक लोन को सीधा पे किया, उनके अकाउंट में डाला, बैंक बैलेंस मैच हो गया, क्रेडिटर में बैलेंसिंग आ गया, वो देना नहीं है, डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दिया। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करूं? उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी से कैलकुलेट करके बोलो। उठाओ कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करके बोलो। कह रहे दोस्तों लॉस आया ना 60,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू किस किस में बांट दूं? एबीसी में 60,000 को 2:1 के रेशियो में बांटना ना। 12,000, 24,000, 24,000। सो ये मैं डाला यहां पर, देखना क्या लिखूं भैया। टू रियलाइजेशन 24,000, 24,000 एंड 12,000। कोई प्यारा बताओ, अब एबीसी अकाउंट क्लोज करूंगा, इसके बैलेंस को मैं कहां लिखूंगा? डेफिशिएंसी में। एक एक ए का बैलेंस कितना आया देख के कोई बताओ? 6,000। बी का देखना इस साइड ना 4,000 रुपये। सी का देखना इधर 32,000। कोई बताओ ये जो भी बैलेंसिंग वगैरह आया कहाँ डालूं? डेफिशिएंसी में, और डेफिशिएंसी में बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। प्यारे दोस्तों ये ए का इधर डाल दूं, और बी और सी का देखना यहां डालूं। कौन सा अकाउंट देखो मैच कर गया क्या ये अकाउंट? बोलो नया। हाँ अच्छा, सब ध्यान से दोनों मेथड को एनालाइज करो। पहले बताओ कौन सा मेथड ज्यादा डीपर और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है? दिस सेकंड मेथड, ये तो बिल्कुल बता रहा है इसको। ये देखना ये ज्यादा करेक्टिव है। किस किसने डेफिशिएंसी सही है? क्रेडिटर ने 30,000 और ए ने 6,000 रुपया। और कौन कौन थे जिनके कारण ये फर्म दिवालिया होने की कगार पे आई? बी और सी, है ना भैया, सबको आया ना। बट प्यारे दोस्तों कोई बताओ करने के नजरिए से कौन सा छोटा है? इसीलिए पेपर में बनाया बताया दोनों के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्वालिटी या वैल्यू भी एनहांस करना चाहता था, लेकिन पेपर के अंदर कभी मत करना उससे, इसी से करना, टाइम मत खोटी कर देना। अभी बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे, उस मेथड से बहुत लंबे पड़ते हैं, ये इस मेथड से बहुत छोटे पड़ेंगे। सबको आ गया ये? क्या टॉपिक चल रहा था दोबारा बताओ? इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर में पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? बैंक से बैलेंस करके क्रेडिटर और आउटसाइडर को पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन के माध्यम से ही पे करना। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, फायदा घाटा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैलेंस इवेयर किस अकाउंट में डालेंगे, और डेफिशिएंसी अकाउंट विल मैच। अब इसका एक भैया ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब आप समझो ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंसी के कितने भी क्वेश्चन हो, असेट बिकने की अलग अलग एंट्री कह लेगा, लाइब्रेटी बिकने पे करने की अलग अलग एंट्री कर लेगा, उसमें है ही क्या? तो सिंपल बात होगी। अब इसका धाकड़ से धाकड़ क्वेश्चन जो सबसे सुपर बनता है उसकी चर्चा करूंगा, ध्यान से चलते रहना। मैं रब कर दूं द नेक्स्ट, सब करो एक बार, मैं रुक रहा हूं, जल्दी से करो सब, अच्छे से करना है, तेजी से करना है।
हाँ बोलो दोस्त नीतीश, अभी सब सिखाऊंगा दोस्त। दोनों सिक्योर्ड लोन को पहले पेमेंट करूंगा और फिर अनसिक्योर्ड को बाद में करूंगा। मान ले इसमें आप जो कहना चाहते हो वो ये क्वेश्चन नहीं बना, दो अनसिक्योर्ड लोन है तो किसको कम दू किसको ज्यादा, दोनों को उनकी उनकी अनसिक्योर्ड लोन की रेशियो के अंदर बांट दूंगा, दोनों को कम दूंगा। क्या ये आ गया? आगे चलेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों अब ये मैं दूसरा क्वेश्चन ही महा महा सुपर स्पेशल लेके आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसे सुनना, अब इसको ठंडे दिमाग से समझना। चलो जी, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी तो आ गई, किस मेथड से करना है हमने कोई भी क्वेश्चन? सो ऑल आउटसाइडर वाले भी मैं किस में ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के माध्यम से मैं क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी पे करूंगा। चलो दोस्तों लाइनें डालो, चार अकाउंट बनते हैं लेकिन तीन मोटे तौर पर। पहला अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, बनाओ बनाओ सब बनाओ। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द नेम ऑफ द पार्टनर्स आर एबीसी हेयर। एबीसी सब बनाओ दोस्तों, सब बनाओ अच्छे से। एबीसी फिर बैंक अकाउंट, प्यारे दोस्तों सारे हेडिंग डाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमें जब भी पेपर में आएगा दो बार करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना, ये पहली बार जो हम कर रहे हैं सारा वर्किंग नोट है, ठीक है? कितनी बार करना पड़ेगा आप पूछेंगे, क्यों? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, तो करते रहना सब। ए बी सी, ए बी सी, देन बैंक अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट और बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, एडजस्टमेंट से या बेचने की तैयारी से? बेचने की तैयारी से। चलो जी असेट साइड से स्टार्ट करें, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के बाद डेटर, सब ट्रांसफर करो जल्दी जल्दी करो, ध्यान से करो, 50,000। डेटर के बाद नेक्स्ट स्टॉक, अगेन 50,000। स्टॉक के बाद एडवांस हुए, कोई बताओ ना कहाँ डालूं? ये फर्म की क्या है, लाइबिलिटी असेट्स, तो अब फर्म ने देने हैं या गर्दन पकड़ के लेने हैं? लेने हैं तो पैसा लूं या कैपिटल घटा दूं? बोलो कैपिटल। आगे चलो, कैश कितना था? 10,000। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस कोई बताओ, असेट साइड में ये प्रॉफिट है या लॉस है? पार्टनर्स बांटेंगे, रेशियो क्या थी? 2:3:5, 30,000, 45,000 एंड 75,000। दोस्तों राइट ऑफ कर दिया लॉस, आ रहा है ना भैया? अब असेट साइड पे आओ, लोन फ्रॉम बैंक सिक्योरिटी पे है, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड है। कितने का लोन था प्यारे दोस्तों? 3 लाख का। फिर लोन फ्रॉम सी 40,000 रुपया, सीज लोन, कोई बताओ ना क्या करूं? और ये फर्म की लायबिलिटी है, देने हैं। अच्छा एक बार बताओ, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंसी हो तो किसी पार्टनर को उसके लोन का पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। पहले तो ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है तो पहले बाहर वालों को, संडी क्रेडिटर को और बैंक लोन वालों को पे कर पाऊंगा, उन्हें नहीं पे कर पाया तो नहीं दूंगा इसको, तो मैं लोन अकाउंट बना के भी पे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लोन अकाउंट भी यहीं पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। सीज लोन कितना भैया? लोन अकाउंट सेपरेटली बना लो, तब भी बात यही आएगी। लोन अकाउंट बनाऊं तो पे तो कर नहीं पाऊंगा, उसका बैलेंस सारा डेफिशिएंसी में जाएगा, आप भी डेफिशिएंसी में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आगे चलो, ट्रेड क्रेडिटर,
कितने कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर? 2.5 लाख। बिल पेबल आउटसाइडर है, यहीं पे आएंगे ना। फिर कैपिटल बैलेंस बीडी आ गया प्यारे दोस्तों, 60,000, 80,000 एंड 60,000। स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। चलो दोस्तों एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। सब करो जल्दी जल्दी करो। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज बाय बैंक। प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000, डेटर 30,000, स्टॉक 40,000। फिर कहता है अब बड़े ध्यान से चलना, अब बड़े ध्यान से चलना मेरी बात को। पहले मेरे पास मैंने आगे पढ़ लिया, कोई एसेट आगे बिक नहीं रही तो इनको टोटल करके डाल दूं। 4,20,000 यहां भी डाल दूं, टू रियलाइजेशन 4,20,000। अब सावधानी से एक एक क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़ना। कहता है ए हैज, ए पार्टनर है, प्राइवेट असेट्स ऑफ 1 लाख एंड हिज प्राइवेट लाइबिलिटी 40,000। बात कर रहे हैं पहले किसकी? ए की। ए के घर पे कोई बताओ संपत्ति कितने की है, उसकी प्राइवेट असेट्स कह लेता हूं 1 लाख की, और उसकी घर पे देनदारी कितनी है कोई बताओ, उसकी गर्दन पकड़ के कितने पैसे ले सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। नहीं पता प्यारे दोस्तों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक ही गर्दन पकड़ के 60,000 रुपए ले लूंगा। बोलो ना यहाँ, बोलो ना यहाँ। अगर प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरे पास 80,000 की शॉर्टेज हो कैश की, तो मैं को पूरा नहीं, ए से 60,000 लूंगा और पूरा नहीं ले पाऊंगा, ए दिवालिया। लेकिन मेरे पास कैश की शॉर्टेज 40,000 की हो तो मैं ए से 40,000 लूंगा और ए बच जाएगा। तो ए दिवालिया कब होगा? जब मेरे को पैसा कितना लेना होगा उससे 60,000 या उससे ज्यादा। 60,000 से कम लेना हो तो दिवालिया। तो ए दिवालिया कब होगा? लॉक करो इस बात को, उसके घर में 60,000 रुपए हैं, 60,000 तक लेना दिवालिया नहीं, 60,000 से ज्यादा लेना दिवालिया। अभी दिवालिया ए है या नहीं मुझे पता नहीं, बस मैं क्वेश्चन करके लिखा। कहता है बी इज इंस्टॉलमेंट, बी तो पक्का कह दिया दिवालिया। अब सी के बारे में क्या कहता है? सी पे 50 पैसा इन अ रुपीज व्हाट वाज पेबल ऑन हिज ओन अकाउंट फ्रॉम द फर्म। कोई बताओ सी पूरा देगा या 50 पैसा देगा? 50% कैश देगा। 50% किसका देगा? फर्म की डेफिशिएंसी का या अपनी डेफिशिएंसी का? ऑफ हिज ड्यू। यार दोस्तों कोई बताओ सी बचा या सी भी दिवालिया? चिल्ला के बोलो दिवालिया। अब प्यारे दोस्तों सी पक्का दिवालिया कोई शक नहीं, बी पक्का दिवालिया कोई शक नहीं, किसका शक है? ए कब दिवालिया होगा? चिल्ला के बताओ, 60,000 से ऊपर पैसे की जरूरत पड़ी, शॉर्टेज पड़ी, ए दिवालिया, अदरवाइज नहीं। अब जरा चौकन्ने होकर सुनना, जेब में पैसा कितना पड़ा जोड़ के बोलो, 4 लाख, देनदारी कितने की है जोड़ के बोलो। हाँ हाँ बोलो बहन बोलो, 5,60,000। कहता है सी जितने पैसा उसका ड्यू, जब मैं सी का अकाउंट क्लोज करूंगा तो जितना पैसा उसका डिफिशियंसी का बनेगा, जितना उसका ड्यू बनेगा, आधा दे देगा आधा नहीं देगा। क्या ये समझ में आ गया करीना? आ गया इतना? तो सी भी दिवालिया ना, आधा ही दे रहा है। हाँ तो प्यारे दोस्तों अब सी पक्का दिवालिया, बी पक्का दिवालिया, ये जांच रहा था। कोई दोबारा बताओ कैश बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, जबकि देनदारी कितने की है? डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ। 1 लाख, मेरे पास तो 60,000 रुपए ले सकता हूँ, सी भी कुछ दे देगा, पर एक चीज तो नहीं आने के। तो बताओ क्रेडिटर बिल पेबल वाले नहीं सहेंगे या सहेंगे? तो फर्म बची या दिवालिया, चेक करना सीख लेना पहले, फर्म दिवालिया है या नहीं है। सीधा सीधा इस क्वेश्चन में नहीं कहा, पिछला वाला आसान वाला था, कहता सारे पार्टनर दिवालिया, आप भी कहता है बी दिवालिया, सी को घुमा के कह रहा है जितना ड्यू होगा उतना दे, उसका आधा देगा तो वो भी दिवालिया। एक ही बात और घुमा के कह रहा है, घर में 1 लाख रुपए की असेट्स है, 40,000 रुपए की देनदारी, 60,000 रुपए से ज्यादा लेना हो तो वो भी दिवालिया, और जो कि मुझे लेना है। अब सारे दिवालिया, सारे दिवालिया हो तो अब रुक जाना, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है, ध्यान से सुनना। कोई सबसे पहले बताओ ए से गर्दन पकड़ के कितने तो ले ही लूं?
हाँ जो मिलते हैं वो तो छोड़ना ही नहीं, ऐसे 60,000 रुपये लो जी कहाँ कहाँ डालोगे। बाय बैंक, और ए से ले लिए मैंने 60,000 रुपया। यार दोस्तों अब कोई मुझे बताओ, पहले सब एक बार रुको और मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए? प्यारे दोस्तों क्या बैंक में रिसीव साइड की सारी एंट्रियां हो गई या अभी एक बचती है? सी की बचती है। प्यारे दोस्तों ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पहले मैं बैंक करता, फिर रियलाइजेशन फॉर, फिर पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन झंझट में मुझे नहीं पता सी ने कितना पैसा दिया। कोई बताओ सी ने कितना पैसा दिया? 50% ऑफ इज ड्यू। कोई कहता है सी की डेफिशिएंसी यहां से बैलेंस करके निकाल लो, कोई बताओ सी की डेफिशिएंसी बैलेंस करके निकालूं या रियलाइजेशन का लॉस आएगा तब निकलेगी? प्यारे दोस्तों सी की डेफिशिएंसी नहीं निकाल सकता, और कोई बताओ रियलाइजेशन अभी अकाउंट क्लोज करूं या पहले इन तीनों को पेमेंट करनी है? कोई बताओ पहले पेमेंट कितनी करूं? ये वो भी नहीं पता क्योंकि पैसे कितने हैं यही नहीं पता। फंस गए जंगल के अंदर, एक चाल में, चक्रव्यूह में फंस गए। जब तक सी का पैसा नहीं पता चले तब तक मैं कितनी पेमेंट करूंगा ये नहीं पता चलेगा, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं होगा, फायदा घाटा नहीं पता होगा, तब तक मैं एबीसी के अकाउंट नहीं क्लोज करूंगा, जब तक सी का अकाउंट नहीं क्लोज करूंगा तब तक उसका ड्यू और कितना पैसा देगा वो नहीं पता चलेगा। फंस गए एक जंगल में, एक साइकिल में फंस गए। तो प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये साइकिल तभी आएगा जरा देख लेना, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो और किसी पार्टनर के लिए लिखा हो कि वो अपने पैसे का, अपने ड्यू का 50% या 1/3 लाया, तभी हमेशा आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों मैं इसको कैसे करूं, कोई सुझाव दे सकता है अपना? अरे बहुत सारे लोग कॉलेज में क्लास व्लास भी अटेंड कर रहे होंगे, कोई तो बता दो। ये भर भर के यही आना है पक्का? ये जो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का आएगा दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों नहीं आता तो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं काम कर रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन मेरा वर्किंग नोट का, मैं बाद में फाइनल करूंगा। कैसा है दोबारा बोलो? प्यारे दोस्तों बताओ सी ने कितना पैसा दिया, मैंने क्या माना? लेट सी ब्रिंग एक्स रुपीस। अब प्यारे दोस्तों मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको क्लोज करूँ तो पैसे कितने हुए मेरे पास पढ़ के बताओ ना? 4,90,000 प्लस एक्स ना, बोलो ना यहाँ। हाँ है ना, अब इसकी पेमेंट कर दूँ, बताओ ये टर्म डीएल है या एक्स की टर्म में आ रही है? आने दो आने दो, इसको मैं पे कर दूँ बाय रियलाइजेशन लिखकर। तो प्यारे दोस्तों कहाँ ट्रांसफर होगी देखना, ये यहाँ पे जाएगी, कितना लिखूं यहाँ पे बताओ ना? 4,90,000 प्लस टैक्स। ये किस किस को मैं पे कर रहा हूँ? टू बैंक, लोन को, ट्रेड क्रेडिटर को और बिल पेबल को। प्यारे दोस्तों मुझे बांटने को मैं बांट सकता हूँ, ये सिक्योर्ड है, पहले 3 लाख इसको दूंगा, बाकी इन दोनों को इन दोनों की रेशियो में बांट दूंगा, पर इसकी डिटेल मुझे क्वेश्चन में देने की जरूरत है, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों अब मैं इसको क्लोज करूंगा, कोई उठाओ कैलकुलेटर और बैलेंस करके लॉस बता दो कितना आया। सब करो सब करो, एक्स मान लिया, सी कितना पैसा लाया, एक्स अपनी डेफिशिएंसी का 50% लाया जो कि एक्स के बराबर है, बैलेंस करके बैंक अकाउंट में डाला, बैंक अकाउंट वाला यहाँ पे डाल दिया, अब कोई मुझे लॉस बता दो जी, बताओ भैया सब बताओ ध्यान से करो। श्रुति आ रहा है ना भैया? गोपा अच्छे से आ रहा है, कृतिका अच्छे से आ रहा है, करीना आ रहा है, नितिश आकाश आ रहा है, सब करो। हाँ निकालो बैलेंस निकालो, सब निकालो, 1 लाख चेक करो, चेक करो सब, 1,10,000 या 1,10,000 प्लस एक्स, सब चेक करो, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, निकाल के कोई और कंफर्म करो। नितिश जल्दी से निकाल दोस्त, यही आया। चलो आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख लूँ बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस में बांट दूँ? ए बी और सी, बांटो। सी का निकाल लेता हूँ, 55,000 प्लस एक्स बाय टू, बी का ही बांट देना, सी का ही बांटना, बांटने की जरूरत नहीं है, वैसे बांट सकते हो आप। तो मैंने सी का निकाल लिया। प्यारे दोस्तों सी का ये लॉस कहाँ डालू देखना, देखना यहीं पे डाल दू ना? ए का भी डाल देना, डाल सकते, बी का भी, सी का ही डालना। रुक जाओ अब 1 मिनट के लिए, पहले देख लो सी का ही क्यों डाल रहा हूं।
अब प्यारे दोस्तों कोई उठाओ कैलकुलेटर और सी की डेफिशिएंसी बता दो कितनी थी। 55 और 75, 1 30 प्लस x/2, 1,30,000 प्लस एक्स बाय टू आ रहा है। बोलो ना यहाँ कितना आया, सब कैलकुलेट करके बताओ। कोई अब बता दो, मेरा क्वेश्चन हो गया, सी कितना पैसा लेके आएगा। हाँ 50% ऑफ हिज ड्यू ना, उसका ड्यू कितना था, 30,000 प्लस एक्स बाय टू ना, और उसका 50% जो लाएगा और वो किसके बराबर प्यारे दोस्तों, एक्स के। मजा आ गया प्यारे दोस्तों, आई गॉट एन इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा ना। दोबारा देखना, मैंने इसका अकाउंट क्लोज किया, सी का लॉस यहाँ डाल दिया प्यारे दोस्त, इसका 5/10 कर दिया ना, 5/10 कर दिया, इसका आगे 55,000 प्लस एक्स बटे दो, तो ये मैंने बांट दिया, तीनों में बांटना, पर मेरे को सी को ही कंसंट्रेट करना है क्योंकि एक्स पहले निकालना। फिर मैंने इसको बैलेंस किया तो उसका टोटल ड्यू आ गया, ये टोटल ड्यू है ना, ड्यू है, ये सारा डिफिशियंसी नहीं है, इसका कितना परसेंट पैसा देगा वो। हाँ जो भी ड्यू था उसका 50% जो कि एक्स के बराबर होगा। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो दोस्तों, सब निकालेंगे। दिस इज 30,000 प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू 2x, एक्स वालों को उधर ले जाएं, 2x माइनस एक्स बाय टू 30,000, दिस इज 3x बाय टू इज इक्वल टू 30,000, एक्स की वैल्यू 20,000 आ गई दोस्तों। बोलो ना यहाँ प्यारे दोस्तों, पता चल गया, गजब का क्वेश्चन था, क्या पता चल गया। हाँ एक्स का ड्यू, अब सी कितना पैसा लेकर आएगा ये पता चल गया। अब क्या करूं, दोबारा से सारा क्वेश्चन और एक्स की जगह ये लिखें, पहले इसको इतने को बनाओ, जरा जल्दी से बनाओ, कितनी बार करना पड़ेगा जब पेपर में ये क्वेश्चन आए, 2 बार करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है कोई, ये वर्किंग नोट था सारा। कुछ नहीं, अब इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, पहले इतना निकाल के अब फाइनल बना देंगे, मैं तो अभी इसी का बना दूंगा। तो अब मैं रब कर दूं, वर्किंग नोट बन गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब वर्किंग नोट जैसा दिखेगा नहीं, 2 बार करना है, पहले वर्किंग नोट करके इतना, अब आगे मैं अब जरा मेरे को जो जो चीजें पता चलती गई मैं डालता चलूंगा, सावधानी से देखना प्यारे दोस्तों। एक्स की वैल्यू 20,000 पता चल गई, बता दो ना यहाँ क्या डाल दूं, 20,000 डाल दूं। अब बता दो मेरे पास पैसा कितना हो गया, 5,10,000 हो गया ना दोस्तों। 2 बार करना, इस वर्किंग नोट के मार्क्स हैं, कभी काट के उसको सही करने की कोशिश करो, वर्किंग नोट रह जाएगा सारा। फिर प्यारे दोस्तों इसकी पेमेंट में क्या कर दूं, 5,10,000, 5,10,000 एक्स की वैल्यू यहां पे भी पुट कर दूं तो मेरा लॉस भी आ जाएगा ना, 1,30 आ गया ना लॉस, कितना आया टोटल, 130 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों में बांटेंगे, बांटो, इसका हाफ था 65,000, प्यारे दोस्तों अब ये एक्स वाली बात इधर इसकी भी हटा लूं और ये ड्यू वाली भी टोटल वाली बात यहाँ की हटा लूं, अब तो मैं रियल अकाउंट बना पाऊंगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट से एग्जैक्ट लॉस आया 26,000 रुपया, पैसा कोई बताना किसको लेके आना था, सी को लाना था तो 20,000 रुपये मुझे यहां भी डालना चाहिए ना सी के अकाउंट में, बाय बैंक। बताओ पैसा ले आया, अब खत्म, जो भी बचेगा आप बताओ किस अकाउंट में ट्रांसफर करूं, किसी और में या डेफिशिएंसी में, ए का क्लोज करो, ए का बैलेंस कोई बताओ, ए का बैलेंस, मेरा एक भाई बोला 36,000 आ रहा है, कोई चेक भी करना आएगा तो इस साइड ही, 1,20 है यहाँ पे, देखो सही आया, कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ मेरे ख्याल ये गलत है, मैं भी सही करूँ, 20
4000 किस अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं? डेफिशिएंसी अकाउंट में, बना लो डेफिशिएंसी अकाउंट, ए की डेफिशिएंसी 24000, बी क्लोज करो, बी क्लोज करो, किस साइड आ रहा है बोलो? साइड आ रहा है 4000 रुपये, बोलो हाँ या ना? डेफिशिएंसी यहां पे लिख लिया, ट्रांसफर कर लिया, सी का क्लोज करो, सी का क्लोज करो, 20000 आ गया। इसको मैं यहां डाल लूं, देखो डेफिशिएंसी अकाउंट मैच कर गया, सी का 20000 निकला दोस्त, ध्यान से मिला। आ गया ना ये धाकड़ एक्स वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सब करो सब करो, ध्यान से करो, जमा के करो। कितनी बार करना है? 2 बार। एक ही उसी क्वेश्चन पे मत कटिंग कर देना, नहीं तो तुम्हें ही पल लेने पड़ेगा। 2 बार करना, नहीं तो भूल जाओगे अभी घर जाते के, अभी क्लास के 1 घंटे बाद सफा मैदान हो जाएगा। 2 बार करना है प्यारे दोस्तों। करीना अच्छे से आ गया, आकाश अच्छे से आ गया, गोपा आ गया, अनन्या आ गया, सबको आ गया ना भाइयों बहनों। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्या गदर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। दो ही टाइप है, एक तो एक्स मानने वाला और एक पहले वाला, बस आपके भर में कौन सा आना चाहिए। अरे वाह, तुम तो लगता है ज्यादा अच्छा लग गया। लोग तो इसको करते हैं इससे, बोले एक्स वाला आ गया, पता नहीं क्या करते हैं, 2 बार कैसे होता है क्या होता है। सिंपल सिंपल सी बात है, लॉजिक से चलना है ना, आसान सा काम है। तो क्या टॉपिक खत्म किया आज हमने? इंसॉल्वेंसी ऑफ पॉल पार्टनर। प्यारे दोस्तों आपके पास कोई किताब हो, हर किताब में 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर करना, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछना। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, क्या करेंगे? एनपीओ। एनपीओ के एक टाइप हम 12th में करके आए, मान लू ना वो आती है, बोलो हाँ या ना? नीति थोड़ा थोड़ा करी ना, बड़ा खतरनाक है। अच्छा जी चलो, थोड़ा थोड़ा, चलिए जी सारा ही कराऊंगा फिर। तो 4 टाइप के क्वेश्चन है, 1 टाइप 12वीं में करके आया, 3 नहीं है, तो चलो एक एक दो दो क्वेश्चन में हट, पहले टाइप के भी एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो सब्सक्रिप्शन के 3 केस आते हैं, हाँ या ना? चलो ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। कुछ एक ना, एक मिनट, एक मिनट।